उद्देश्य जो विधानसभा में हम लोग नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, मंत्रालय में नियम बनाते हैं, योजना बनाते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं, वो सही मायने में आम जनता तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये जानने के लिए आपके बटाई केला गांव में मैं पहुंचा। जैसे हम लोग सबके लिए अनाज, सबके पास राशन कार्ड होना चाहिए, सबको चावल मिलना चाहिए, सबको शक्कर मिलना चाहिए। हाँ बताइए, नाम बताइए। हाँ सर, मेरा नाम है पुष्पा, मैं ग्राम पंचायत शाहजापानी की निवासी हूँ। अच्छा, बाजार कब लगता है आपके यहाँ? सर नकबार बाहमा में बुधवार को हाट बाजार लगता है जी। और आप गई हैं? जी सर। उसका लाभ लिए, कभी इलाज कराए? जी सर। अच्छा, कब गई थी आप? सर अभी पिछले बुधवार को आई थी मैं, अपना यानी कि शुगर जांच करवाने के लिए। अच्छा जी सर। तो जांच किए? जी सर। डॉक्टर ने पैसा कितना लिया? नहीं लिए हैं सर। डॉक्टर ने पैसा बिल्कुल नहीं लिया? नहीं लिए हैं सर। दवाई दिए? जी सर। उसका दिए होंगे पैसा? नहीं लिए सर। उसका भी पैसा नहीं लिया? जी सर। और क्या बोले? यानी कि लगातार दवाई चलेगी ऐसा बोले हैं। अच्छा, और चेक करने के और बुलाए? जी सर। कब? यानी कि दवाई जब खत्म हो जाएगी तो दोबारा चेकअप के लिए आने के लिए बोले। बहुत बढ़िया। तो शासन की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में भी हाट बाजार क्लिनिक योजना के माध्यम से गरीब लोग मेहनत करते हैं दिन रात, तो उसके बाद इलाज कराने के लिए जा नहीं पाते, अस्पताल दूर है, तो हमने डॉक्टर को और स्टाफ को दवाई सबको वहीं हाट बाजार में भेज दिए ताकि कोई भी जाके निःशुल्क इलाज। ये भेंट मुलाकात करने का मतलब यही है कि लोगों को बहुत सारी योजना की जानकारी नहीं है। अब मजदूर आदमी दिन भर मजदूरी करता है, उसको जानकारी नहीं है। अरे कदम अभी आप आए हैं तो आपके गांव के लोगों को पता चलेगा, जिसके पास जमीन नहीं है उसको भी पैसा दे रही सरकार, है ना? आप आवेदन करिए पंचायत, पंचायत में करना ना। फार्म तो जमा किए हैं पर नहीं तो निकला। अच्छा, वो स्क्रूटनी होगा, उसके बाद आपका नाम जुड़ेगा आएगा, है ना? अच्छा ठीक है, इस योजना सब लोग लाभ उठा जिसके पास जमीन नहीं। हमारा जो दादाजी की जमीन है उसमें बंटवारा होना है और भौतिक नामांतरण होना है। आज दिन तक उन्होंने भौतिक नामांतरण नहीं, दो साल तक नहीं हुआ है? नहीं हुआ है सर। आवेदन दिए हैं? आवेदन दो बार तीन बार दे चुके हैं। अच्छा, अभी पत्थर जाएंगे आप? सर वहाँ पे बोलते हैं आपका पास नहीं, आपको नहीं मिलने दिया जाएगा। मैं बोल देता हूँ, आप मिलो वहाँ, आवेदन ले, कब कब आवेदन देना है ना, और उसके बाद नहीं किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी सर बिल्कुल ठीक है, आ जाना। और सर एक बात और बोलना चाहती हूँ मैं कि जैसे अनिल कपूर जी महाराष्ट्र के नायक बने थे, महाराष्ट्र के नायक नहीं बने थे, पिक्चर में नायक बने थे। हाँ, वैसे आप छत्तीसगढ़ के हमारे नायक बने हैं सर, और मैं आपको फॉलो करती हूँ फेसबुक में, ट्विटर में, हर चीज में। आपसे मेरे को बहुत बड़ी प्रेरणा मिली सर, और मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे माँ बाप को घर दिलाए जिसमें वो अपनी जिंदगी गुजर रहे। ठीक है, चलो धन्यवाद। थैंक यू सर। आपका जी शकुंतला पैक रहे सर, मेरा नाम शकुंतला बहन। कौन गांव रहती हो? ग्राम पोस्ट बटे के ला से ही। अच्छा, यहीं से? जी। गौठान है यहाँ? जी। अच्छा, कब से है गौठान? गौठान है 9/12/2023 से। हम लोग अम्बिका स्वयं सहायता समूह काम कर रही है गोबर खाद बनाने में। अच्छा, गोबर खाद बनाती हो? जी। ठीक है, कितना गोबर खाद बना लियो अभी तक? कुल उत्पादन कच्चा माल 407 क्विंटल हो गया है। हाँ। और खाद बना चुके हैं 392 क्विंटल, बेच चुके हैं उसको। अच्छा, बेच चुके, पैसा आ गया? जी सर। कितना पैसा आया? 3,83,000। 3,83,000 जी सर। और समूह में कितने लोग हैं? समूह में 12 सदस्य हैं सर, और 5 लोग काम करते हैं खाद। अच्छा। बनाने में जी। तो पैसा बांट लिए? अभी कुछ बचत खाते में है और बांट भी लिए हैं सर। कितना कितना बांट लिए, कितना बचत खाते में? खाते में हम लोग का है सर 2,00,000 और कुछ है, और इधर बांट लिए हैं। अच्छा, गोबर बेचती भी हो? खाद बना कर बेचते हैं सर। वो तो खाद बना कर बेचते हो, घर में गाय है, गरवा है? हाँ, गरवा है सर। तो बेचते हो गोबर? जी सर। कितना बेच चुके हैं अभी तक? मैं 2 क्विंटल बेच चुकी हूँ सर। कितना पैसा आ गया मेरे खाता में अभी? कितना? 2,000-3,000 और कुछ आया था। 3,000 आंकड़ा ठीक नहीं मालूम। ठीक है, चलो अच्छा है।
इसके अतिरिक्त हम लोग अभी मुर्गी पालन, बकरी पालन और बटेर पालन भी अच्छा, कर रहे हैं। और बचा बताने को बचा तो बटेर कितना के बेचे? बटेर हम 20,000 रुपए का बेच चुके सर। और बकरी? बकरी अभी शुरुआत है, जो गाभिन हो गई है कुछ बकरियाँ, हम लोग को 11-10 बकरी और एक बकरा दे दिया गया है। अच्छा, बकरा हो गया और बटेर हो गया और सुअर भी है सर। अच्छा, जिसमें से हम लोग को 4 मादा और 2 नर सुअर दिया गया है। उसमें से 2 मादा सुअर अभी गाभिन है जी। अच्छा, तो सुअर हो गया, बकरी हो गया और बटेर हो गया, देखते हैं कब पैसा आएगा जी। आएगा सर, अभी आएगा सर। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, और हम लोग 83,000 का मुनाफा कमा चुके हैं, और आने वाले दिन में हम लोग अंडा देने वाली मुर्गी यानी कि पीपीटी 300 नस्ल की मुर्गी पालने के लिए तैयार है हमारे पास। सर, माय नेम इज साक्षी सिंह कुशवाहा। अच्छा, बताइए अपने बारे में बताइए। सर, आई एम फ्रॉम स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल कासाबेल, एंड आई वॉज इन 10th क्लास लास्ट ईयर। आई हैव सिक्योर्ड 97.83%। जोरदार ताली बजाओ भाई, 97.8%। बहुत बढ़िया। आपके पापा क्या करते बेटा? सर, स्टूडियो बिजनेसमैन। बिजनेसमैन स्टूडियो, बढ़िया। और मम्मी क्या करती है? सर, टीचर, गवर्नमेंट टीचर। गवर्नमेंट टीचर, यस। अच्छा, क्या बनना चाहती है? आईएएस ऑफिसर। ओ, मतलब मेरे इधर बैठना चाह रही है। गुड गुड गुड, ठीक, खूब बधाई बेटा। थैंक यू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नारायण यादव है। नारायण यादव, कहाँ रहते हैं यादव जी? मैं ग्राम मटई का मोहल्ला प्रेमनगर। यही रहते हो जी? प्रेमनगर में जी। तो आपके पास राशन कार्ड नहीं है? पहले राशन कार्ड था, मेरा राशन कार्ड को सचिव और सरपंच काट दिया। कब? ये 2018 में। 2018 में, उसके बाद नहीं बनवाया? फिर उसके बाद मेरे सरपंच को निवेदन किया था। हाँ। उसके बाद बोला कि नहीं, तो फूक साहब के पास जाओ। अभी मैं पता करता हूँ आपका कार्ड क्यों नहीं बना, और कार्ड भी आपका बनेगा, है ना? और जो आज तक के आपका कार्ड रोके हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो, ठीक है? अब इनके बीच में सरपंच और इसके बीच में क्या विवाद रहा मैं नहीं जानता, लेकिन उसका राशन कार्ड नहीं बना था भाई, मैं मंगवा के ले आया हूँ, उसको मैं भी दूंगा। ये राशन कार्ड